हेलो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल देसी इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर पे हम पानी मोटर हो या पंखा का हो कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं। जैसे हम ये जो छोटा वाला कैपेसिटर रहता है 2.5 माइक्रोफेरेड का, ये पंखे में लगता है। इसको क्या करने का ना, घर के जो सॉकेट पॉइंट है उसमें लगाने का, एक या दो सेकंड लगाने के बाद उसको ऐसा जॉइंट करने का, वो फायरिंग होगा और उसके साथ साथ जोर से आवाज़ करेगा, तभी जानिए कैपेसिटर सही है। नहीं तो अगर आवाज़ कम करेगा या फायरिंग नहीं होगा तो जान लीजिए कि कैपेसिटर कमज़ोर हो गया है। उसी टाइम में आपको मार्केट से नया कैपेसिटर ला के लगाना पड़ेगा। ये जो बड़ा बड़ा कैपेसिटर देख रहे हैं आप 40 माइक्रोफेरेड का है, ये हमारा घर का जो पानी मोटर रहता है या हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम खेत में वो सब बड़े बड़े मोटर में ये वाला कैपेसिटर लगा रहता है, उसको भी हम उसी तरह से चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट में लगाने का, फायरिंग करता है, आवाज़ करता है, ऐसा आवाज़ करेगा जोर से तो जानिए कैपेसिटर सही है। और मोटर अगर स्पीड से नहीं घूम रहा है तो उसका मतलब मोटर में दूसरी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कैपेसिटर सही है। यही आसान तरीका है कैपेसिटर चेक करने का। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।